रंग रंग में दौड़े रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे पारुल और आज रेडियो सिटी की टीम जहाँ आई है इसका नाम है कठपुतली नगर, जहाँ पर कठपुतली खिलाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं और ये आए क्योंकि जब हमने देखा ये एक्चुअली जो बस्ती जहाँ पर लोग तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन सुविधाओं का अभाव कहना भी छोटी बात होगी। एक्चुअली आप और अगर हम सोचें कि यहाँ अगर रहा जाए तो सच में लगेगा कितना डिफिकल्ट है यहाँ रहना, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत हद तक ज़्यादा है। लेकिन कई सालों से जो ये गंदगी है इसे आगे भी कंटिन्यू यूँ ही रखा जाए, यही सवाल हमारे यानी रेडियो सिटी और साथ ही कंट्री टीम के मन में भी आए और इसी के चलते हमने एक मुहिम की शुरुआत की कि क्यों ना इस बस्ती को कुछ अलग रूप दिया जाए, यहाँ के लिए कुछ अलग किया जाए। और ये कल अलग हटके क्या किया जाए और क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक्चुअल यहाँ की हालत कैसी थी। कहते हैं तो पीते ही है, गंदा होते ही है, पाइप है पानी वाला, सब नाली में डाल रखा है। बच्चों का यही है कहना, यहाँ गंदी नालियाँ है, कच्चे रास्ते, अभी तो कुछ नहीं है लेकिन बारिश में हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चे यहाँ पानी भर जाता है रास्तों में तो बच्चे उसमें खेलते हैं गंदे पानी, आने जाने वाले को भी फिसल के गिरते हैं, मेरी भी टांग टूट गई थी। मुश्किल है ना ऐसी जगह पर सर्वाइव करना, सोचिए कितने सालों से यहाँ पर लोग इसी तरह से रहे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियो सिटी और कंट्री टीम ने मिलकर इस मुहिम की शुरुआत की कि इस बस्ती को कुछ अलग रूप दिया जाए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो इतने सालों से इतनी गंदगी में रह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जगह बनाई जाए। और इसी मुहिम के चलते सिर्फ हम यानी रेडियो सिटी और कंट्री टीम ही नहीं, जयपुर की और भी जनता, स्टूडेंट्स भी, प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ जुड़ते चले गए और जो बदलाव आया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जगह आप देख रहे हैं ना ये पहले ऐसी नहीं थी, यहाँ पर भी बहुत गंदगी थी, बहुत कचरा था। ये जो दीवारें देख रहे हैं इतनी सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हमारे साथ लोग जुड़ते गए, कॉन्फ्लिक्ट टीम और रेडियो सिटी ने मिलकर इसको बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। आज ये जगह इस बस्ती के बच्चों के लिए बन चुकी है जहाँ पर ये आराम से साफ सुथरे वातावरण में खेल सकते हैं, शाम के वक्त लोग यहाँ पर आकर बैठकर चार बातें कर सकते हैं। सो ये जो बदलाव है ये एक कोशिश है और इस कोशिश में जयपुर की जनता आपका और भी सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर आप और हम मिलकर बदलाव लाएंगे ना तो बहुत कुछ सूरत बदली जा सकती है और बदलाव अभी बहुत सारा बाकी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम बोलते रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में जयपुर सिटी। रग रग में दौड़े